हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास एट पी एस सी बी की ट्वेंटी ट्वेंटी वाली न्यू बुक से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट सो यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस दी हैं उनको आपने सॉल्व करना है एंड ऑल्सो आपने अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स माइनस थ्री सो इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो ये आपने सिक्स सेवन्थ क्लास में भी स्टडी किया हुआ है तो बस उसी चीज़ को आपने ध्यान में रख के इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ओके okay? सो so, हम क्या करेंगे जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पर ले आएंगे एंड जो अदर टर्म्स हैं विदाउट वेरिएबल वाली उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे इक्वल साइन के ठीक है तो x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ इसको बोल देते हैं ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अभी मैं लिखूंगी नहीं बट इसका मतलब यही होता है सो जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस एक्स जो है वो बन जाएगा माइनस एक्स ठीक है ये आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ओके okay? इक्वल का साइन ये जो प्लस टू है राइट हैंड साइड का इसको एज इट इज़ लिखो ये जो माइनस थ्री था लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हमने शिफ्ट कर देना है अब राइट हैंड साइड पे सो माइनस थ्री बन जाएगा प्लस थ्री ठीक है सो so, हमने क्या किया हमने x को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट लेफ़्टाइड पर माइनस थ्री को ट्रांसपोज कर दिया हमने राइट हैंड साइड पे सो दिस एम्प्लाइज इसको बोलते हैं दिस दिसअम्प्लाइज का साइन ठीक है एंड स्टूडेंट्स आप एक चीज़ याद रखना हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ना तो यहाँ सेंटर में इक्वल का साइन ऑलरेडी होता है राइट right? तो आपने यहाँ आगे कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगाना दिस दिसएम्प्लाइज वाला साइन लगाना होता है अगर लगाना पड़े ठीक है इक्वल का साइन ही लगेगा ठीक है क्योंकि इक्वल का साइन तो ऑलरेडी होता है यहाँ पे सेंटर में ठीक है सो टू एक्स माइनस एक्स एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस टू फाइव सो ये तो आ गया आपका आंसर अब इतना पार्ट सॉल्व हो गया वेरीफाई भी करना है हमने रिजल्ट को तो वो भी हम करेंगे सो पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव इन लेफ्ट हैंड साइड सो इक्वेशन की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको सोल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी टू एक्स माइनस थ्री तो एक्स को फाइव पुट कर दिया टू इन टू फाइव माइनस थ्री अगर आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है ऐसे तो आप लिख सकते हो टू फाइव ज टेन टेन माइनस थ्री इक्वल्स टू सेवन ना पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव इन राइट हैंड साइड सो राइट हैंड साइड क्या थी राइट हैंड साइड थी एक्स प्लस टू सो फाइव प्लस टू इक्वल्स टू सेवन सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेकेंड क्वेश्चन है फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस नाइन सो यहाँ पर भी सेम ही चीज करो टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ माइनस सिक्स को राइट हैंड साइड पे ले आओ सो दिस इंप्लाइज फाइव एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर जाके हो जाएगा माइनस का minus 2X नाइन एज इट इज़ माइनस सिक्स राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का सो फाइव एक्स माइनस टू एक्स थ्री एक्स इक्वल्स टू नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन सो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर थ्री ये जो थ्री है ना जब आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ठीक है सो थ्री वन ज थ्री थ्री फाइव ज फिफ्टीन सो एक्स इज इक्वल टू फाइव अब हमने अपने रिजल्ट को करना है वेरीफाई सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की फाइव एक्स माइनस सिक्स पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फाइव 5 फाइव माइनस सिक्स इक्वल्स टू फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स सो ये आ गया नाइनटीन ना हो राइट हैंड साइड क्या है टू एक्स प्लस नाइन पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टू इन टू फाइव प्लस नाइन फाइव टू ज टेन प्लस नाइन इक्वल्स टू नाइनटीन सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो जो रिजल्ट है आपका वो वेरीफाई हो गया ठीक है हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड आप ऐसे लिख सकते हो नैक्स्ट क्वेश्चन है फाइव ए माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री ए माइनस फाइव तो थ्री ए को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो माइनस थ्री को राइट हैंड साइड पे। सो दिस एम्प्लाइज फाइव ए प्लस थ्री बन जाएगा माइनस का माइनस थ्री है इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस थ्री राइट हैंड साइड पे, प्लस थ्री सो फाइव है माइनस थ्री है टू ए इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू सो ए इज इक्वल टू माइनस टू वाला जो टू है ना ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में टू वन जा टू टू वन जा टू सो ए इज इक्वल टू माइनस वन दिस इज द आंसर ठीक है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फाइव ए माइनस थ्री पुट ए इज इक्वल टू माइनस वन सो फाइव इंटू माइनस वन माइनस थ्री सो फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव एंड साथ में माइनस थ्री आ गया सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस एट राइट हैंड साइड कर लो सॉल्व पुट ए इज इक्वल टू माइनस वन सो थ्री इंटू माइनस वन माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस फाइव सो

ठीक है सो दिस इज टू एक्स इक्ल टू माइनस फोर सो एक्स क्या आ जाएगा माइनस फोर ओवर ये जो टू है नीचे डिनोमिनेटर में टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दिस इज द आंसर अब रिजल्ट को वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है फाइव एक्स प्लस नाइन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू So five into minus two plus nine minus ten plus nine equals to minus one. Now right hand side ko solve lo. Right hand side is equal to five plus three x. Put x is equal to minus two. So five plus three into minus two. So five. यहाँ पर माइनस का साइन है ना सो प्लस माइनस ये तो माइनस हो गया थ्री टू जिक्स सो दिस इज माइनस वन सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड नेक्स्ट है फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू वाई सो टू वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो थ्री को राइट हैंड साइड पे, सो फोर वाई ये बन जाएगा माइनस का माइनस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स प्लस का थ्री माइनस का सो दिस इज टू वाई इक्वल्स टू थ्री सो वाई इज इक्वल टू थ्री ये जो टू है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा सो वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू सो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लो अब वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू फोर इन थ्री अपॉन टू प्लस थ्री ये कट जाएगा टू वन ज टू 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 ज फोर सो थ्री टू जिक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू नाइन राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड है सिक्स प्लस टू वाई पुट वाई इज इक्वल टू थ्री ओवर टू सो सिक्स प्लस टू इं थ्री ओवर टू 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 कट गए आपस में सिक्स प्लस थ्री वन ज थ्री इक्वल्स to नाइन सो so, hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल to राइट हैंड साइड hence रिजल्ट इज verified नेक्स्ट है थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एक्स तो ये जो माइनस का एक्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ माइनस वन को ले जाओ राइट हैंड साइड पे. सो दिस सिंप्लाइज थ्री एक्स माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर जाके हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस वन राइट हैंड साइड पर जाके हो जाएगा प्लस का ठीक है

सो ट्वेल्व माइनस वन इक्वल्स टू इलेवेन ठीक है नाउ राइट हैंड साइड क्या है फिफ्टीन माइनस एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू फोर सो फिफ्टीन माइनस फोर इक्वल्स टू इलेवन सो आर एच एस इज इक्वल टू इलेवन सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस रिजल्ट इज़ वेरीफाइड नेक्स्ट है फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस फाइव पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लो दिस इम्प्लाइज फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 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 एक्स टू एक्स माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया टू टू वन टू प्लस फाइव अब आप सॉल्व कर लो जैसे आप नॉर्मली करते हो ये जो टू एक्स है इसको शिफ्ट कर दो साइड पे ये जो प्लस का थ्री है इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे सो फोर एक्स टू एक्स बन जाएगा माइनस का माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड प्लस फाइव इसको अभी सिंप्लीफाई करके लिख लो फाइव में से टू गए थ्री आ गया ये जो प्लस का थ्री है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया माइनस थ्री का बन गया ये सो दिस इज़ टू एक्स इक्वल्स टू थ्री माइनस थ्री ये तो ज़ीरो हो गया सो एक्स इज इक्वल टू अब देखो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही आएगा अगर आपने एक स्टेप लिखना है तो लिख लो कि ये जो टू है ये डिनोमिनेटर में जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरोट टू सो आंसर क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो ही आएगा ओके सो दिस इज़ दी आंसर हैंड साइड को सॉल्व कर लो फोर एक्स प्लस थ्री पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सो फोर इंटू ज़ीरो प्लस थ्री सो फोर इंटू ज़ीरो 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 प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री सो लेफ्ट हैंड साइड है थ्री सो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस फाइव पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सो टू ब्रैकेट में ज़ीरो माइनस वन प्लस फाइव सो टू ज़ीरो माइनस वन माइनस वन प्लस फाइव इक्वल्स टू ये माइनस टू आ गया ये प्लस का आ गया सो दिस इज थ्री सो हैंस

प्लस का फोर एल यहाँ हो जाएगा माइनस का माइनस फोर एल इक्वल्स टू एट माइनस सिक्स को सिंप्लीफाई कर लो टू आएगा माइनस फाइव राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का सो थ्री एल माइनस फोर एल क्या बचा माइनस एल इक्वल्स टू फाइव प्लस टू सेवन सो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू सेवन अपॉन माइनस वन सो एल इज इक्वल टू माइनस सेवन दिस इज़ दी आंसर आपने अगर ये स्टेप करना है एल इज़ इक्वल टू सेवन अपॉन माइनस वन तो आप ऐसे लिख भी सकते हो अदरवाइज बिल्कुल ही सिंपल है माइनस एल इज इक्वल टू सेवन आ गया ठीक है नेक्स्ट स्टेप में आप सीधा ही ये वाला स्टेप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू माइनस सेवन ये जो माइनस का साइन यहाँ पर था इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो ठीक है बिकॉज करना क्या है आपने माइनस का आप साइन कैसे रिमूव करोगे दोनों साइड को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे राइट सो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा इधर हो जाएगा सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन ठीक है जी सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थ्री एल माइनस फाइव पुट एल इज इक्वल टू माइनस सेवन सो थ्री इंटू माइनस सेवन माइनस फाइव ये माइनस ट्वेंटी वन आ गया माइनस फाइव इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सिक्स सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फोर ब्रैकेट में एल प्लस टू माइनस सिक्स पुट एल इज़ इक्वल टू माइनस सेवन सो फोर ब्रैकेट में माइनस सेवन प्लस टू माइनस सिक्स फोर यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस फाइव बच गया माइनस सिक्स सो दिस इज माइनस ट्वेंटी माइनस सिक्स सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सिक्स

फिफ्टी दिस इज़ द आंसर हैंड साइड को सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड इज सिक्स पुट एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सो सिक्स इन टू फिफ्टी दिस इज थ्री हंड्रेड सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई नाउ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन पुट एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सो फिफ्टी प्लस टेन सो फाइव इन टू सिक्सटी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सो दिस इज आर एच एस सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड सो दिस वॉज एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ऑफ क्लास एट पी एस सी बी की न्यू बुक्सें एंड स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्रेस द लाइक बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर